श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौरी भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र तथा श्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र तथा श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्प अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाधिक प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया, हम लोग अपना घर में कैसे रहे, बहुत जरूरी है ये प्रश्न, अरब खरब रुपया की प्रश्न है। हम लोग अपना गृहस्थ धर्म को जाजन करते हुए घर में हमें कैसे रहनी चाहिए, इसलिए प्रश्न है। तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, कहते परमहंस तुले प्रकृष्ट संग हई गृहांत रूपे पति तो बार योग्यता नष्ट है। तब उन्होंने घर को एक उदाहरण दिया है, घर कैसे है, बोले गृहांत रूप, कहते घर एक अंधा कुएं के बराबर है। इसलिए गुरुदेव इसके लिए गुरुदेव एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक समय में कोई एक शेर ने किसी व्यक्ति को पीछा किया, वो व्यक्ति भागते गया, सोचा अभी मैं अपना प्राण कैसे बचाए, देखा एक अंधकार कुआ था, सोचा अगर ये कुएं को अंदर में अगर मैं चला जाऊं ये शेर से मैं बच जाऊंगा। जब उन्होंने देखा उसके ऊपर कुछ पीपल का पेड़ था, किसी पीपल का पेड़ को पकड़ के जब नीचे उतरने लग गया, देखा वहां पर एक जहरीले काले सर्प वहां है, और थोड़ी सी हीट पाते ही वो सर्प इसे सर उठा लिया। उसने देखा नीचे सर्प है, ऊपर में देखा ऊपर शेर आ गया, वो पंजा को निकाल रहे, सुजोग मिले तो उसको खा जाए। अभी जिस टेनिया को पकड़ करके वो लटक रहा था, वहां पर एक डील में दो चूहे थे, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा। अभी जिस टेनिया को पकड़ करके लटक रहा था, अभी दोनों चूहे दोनों तरफ काटना शुरू कर दिया, अभी अभी वो गिरने वाला। देखा जिस टेनिया को पकड़ करके रखा था उसमें एक मधुमक्खी की छत्ता थी, इतने में जो मधुमक्खी उड़ना शुरू कर दिया और उड़ करके उसका शरीर को काटना शुरू किया। और देखा जो मधुमक्खी की जो छत्ता थी वहां से कभी कभी एक एक आध बिंदु मधु टपकता था। हाँ सही, उसने ऐसे जीव करके ना क्या। गुरुदेव कहते ये गृहस्थ जीवन कैसे है, कहते ये गृहस्थ जीवन कैसे है, कहते ये पीछे शेर कौन है जो हमारे पीछा कर रहा है, कहते ये काल है। हम सोच रहे हैं हम बड़े हो रहे हैं, हम कोई बड़े नहीं हो रहे हैं, सब के सब छोटे होते जा रहे हैं। कितना उम्र हो गया आपको, कितना उम्र हो गया बोलो, 56 अंग्रेजी में बोलो, 56 56 साल, इसलिए 56 साल हो गया है। लेकिन हम 56 साल के नहीं हुए हैं, हमारे जो एक फिक्स परमायु से 56 साल खत्म हो गया है, इतने साल के हम हुए नहीं, हमारे इतने साल घट गई है हमारी है। इसलिए कहते ये जो शेर है ये हमें पीछा कर रहा है, ये काल है, धीरे धीरे हमारी परमायु को
ये नष्ट कर रहा है, सर परमा को ये नष्ट करते जा रहा है। कभी सोचा ये कुएं को अंदर में अगर छलांग लगा दे शायद बच जाऊंगा, लेकिन छलांग लगाने के लिए गया तो देखा एक जहरीले सर्प है। हाँ, ये सर्प कौन है? बोले ये काल सर्प है। ये भी ये काल सर्प वो सिर खड़ा करके वो देख रहा है, नीचे आओगे तो सर्प खा जाएगा। अभी जिस टेहनिया को पकड़ करके लटक रहा था वो टेहनिया क्या है? बोले कर्म रूपी टेहनिया। ये ब्रांच, ये कर्म रूपी ब्रांच है, मतलब ये शरीर अभी तक क्यों है? अभी हमने जो कर्म किया, कर्म को भोगने के लिए ये शरीर दिया गया, इसलिए शरीर नहीं कर्म को पकड़ करके हम लटक रहे हैं। बोले उसमें दो चूहे जो थे, काला चूहा सफेद चूहा, वो जो दोनों तरफ को काट रहे हैं ये कौन है? बोले काला चूहा मतलब रात और सफेद चूहा मतलब दिन। दिन और ये रात हमारी समय को ये उतर रहे हैं, काट रहे हैं। उसमें जो मधुमक्खी की छत्ता थी, मधुमक्खी की छत्ता थी, समझ रहे हैं ना, बमुलबी, इसलिए छत्ता है ना, बी है क्या बोलते हो, इसलिए अभी वो उड़ना शुरू कर दिया, वो काटना शुरू कर दिया। बोले ये क्या है? बोले संसार में जो तरह तरह का दुख है, कभी पति पत्नी से लड़ाई हो गई है इसलिए दोनों से बात नहीं हो रही, झगड़ा हो गया, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई अपना काम से दुखी, कोई अपना ऑफिस में जो लोग हैं उसमें झगड़ा हो रहा है उससे दुखी। इसलिए कहते ये जो तरह तरह का जो दुख है वो क्या है? कहते ये बम्बल काट रहे हैं, हैं? काट रहे हैं। अभी उसमें जो एक एक आग बूंद मधु टपक रहा था वो क्या है? कभी हैं? कभी बीवी ने थोड़ी मीठी मीठी कोई बोली बोल दी, नहीं तो बच्चा पापा पापा मामा मामा बोल दी है। इसलिए इसलिए कहते जो संसार में थोड़ी बहुत दुख दुख आ सुख आ जाता है, कहते वो जीव को निकाल दे, चारों तरफ में दुख ही दुख है, चारों तरफ में दुख दुख है, लेकिन वो दुख में थोड़ी बहुत जो सुख मिल गया ना बस उसमें ही वो डूब जाता है। कहते ये जो गृहस्थ जीवन में बताए इसको गृहस्थ और क्या बताया? ये एक अंधा कुआ है, अंधे कुएं की संसार है। लेकिन अगर ये अंधे कुएं से बचना चाहते क्या करनी चाहिए है? क्या करनी चाहिए? तो प्रभुपाद कहते हैं परमहंस कुले प्रकृष्ट संगायते ही। अगर हमने साधु संग करते हैं है? जीवन में अगर हम सत्संग करते हैं, शुद्ध वैष्णव का संग अगर हम करते हैं है, तो तुम्हारी जीवन परिवर्तन साधु ही कर सकते हैं। पर उसी समय में जो गृहस्थ जीवन है वो गृहस्थ जीवन कैसे है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलक पाया। अगर उसमें भक्त का संग हो जाए तो कहते फिर तो जीवन तुम्हारे धन्य हो जाएगा, फिर तो अंधक कुआ नहीं रह जाएगा। हाँ, वो अंधकार कुआ नहीं रह जाएगी, वो हो जाएगी भगवान की धाम हो जाएगा। देखो उनका घर, देखो ठाकुर जी घर में, ठाकुर जी यहाँ पर, जहाँ देखो ठाकुर ठाकुर भगवान है। सवेरे उठ करके मंगल आरती कर रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं, जो कुछ रोसोई बनाते ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, घर में हरि कथा सत्संग हो रहे हैं। फिर घर क्या है? वो घर फिर घर नहीं, ये घर भगवान का धाम है। हाँ, कहते किसकी कृपा से हो सकती है? बोले से साधु कृपा, केवल संतों कृपा से। वैष्णव अगर संग हो गया ना फिर तो सब जीवन के जीवन पूरा बदल जाती है। और सही मुक्त कुलेर संग फले ही पारमार्थिक गृहस्थ परिवार योग्यता लाभ है। कहते केवल महत कृपा से साधु संग से ही केवल हमें पारमार्थिक गृहस्थ भक्तिमय गृहस्थ हमारे जीवन हो जाता है, हैं? भक्तिमय गृहस्थ हो जाता है। जहरा अभिर्न विचारे भक्त भागवत ग्रंथ भागवत संग वो आलोचना ना करें तारा कखन ए गृह मंगल लाभ करते पारे ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमें क्या करना पड़ेगा?
कहते दो भागवत का संग करना पड़ेगा, दो भागवत है। पहले वो कौन सा दो भागवत है? कहते एक है भक्त भागवत और एक है ग्रंथ भागवत। कहते ये दो भागवत है, अगर इसका संग अगर हमारे हो गया ना, है? उसका संग अगर हो गया, प्रभुपाद कहते अगर ये दो भागवत का संग कोई नहीं कर रहे, एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत संग नहीं कर रहे, भैया कभी भी तुम्हारे घर में मंगल में हो ही नहीं सकता है। घर में अमंगल ही अमंगल, दिन भर देखो सारा दिन संसार में चें चें मैं भय भय कर रहे हैं। संसार किसी संसार में देख लो, बेटा बेटी नाती पोती संसार में चें चें दिन भर, सवेरे उठते ही भगवान के भजन से कोई मतलब नहीं, अपना कैसे रोटी बनाना खाना पीना सोना और काम में चले जाना, जैसे चिड़िया देखना चिड़िया क्या करते सवेरे उठ करके, चिड़िया सवेरे उठ करके अपना घोंसला से उड़ जाता है और दिन भर खा करके आकर फिर घोंसला में घुस जाता है। ठीक उसी तरह देखना संसार में, बस आए दिन भर काम करते करते थकते आए, थोड़ी समय खोल कर टीवी खोल कर बैठ गए, बस खोल कर सो गए, सवेरे उठकर जग गया है 8-9-10 बजे जगे, इसी तरह से थोड़ी सी रोटी वोटी खाए फिर घर से निकल गया, फिर शाम को आ गया घोंसला में घुस गया, है दिन भर केवल अपना खाना पीना सोना, है जानवर जैसे आहार निद्रा भय मैथुन, है खाना सोना भय और संतान संतान जन्म दे करके ये जीवन को इसे ही बिता देते हैं। इसलिए अगर हमें भक्तों का संग हो जाए ना, भक्त संग हो जाए, इसलिए ब्रह्मा कह रहे हैं भगवान स्तुति, ब्रह्मा स्तुति कर रहे बोले प्रभु कब तक ये संसार हमारी बंधन है, कब तक ये संसार हमारी बंधन का कारण है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु तब तक बंधन है जब तक तुमको अपना जीवन में नहीं लाते, भगवान को अपना जीवन में नहीं लाते हैं तब तक ये बंधन, लेकिन जब हे प्रभु जब आपकी शरण ले लेता है जी, संतों की भक्तों का शरण ले लेता है, सब कुछ ठाकुर जी को मानना शुरू कर देता है, यार किसके हैं भगवान के, रसोई क्यों बनाते हो भगवान को भोग लगेगा, घर क्यों झाड़ू लगाते हो, हैं इसमें ठाकुर अगर कभी आएंगे धूल रहेगा तो ठाकुर का प्यार में लग जाएगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं हम घर को हम झाड़ू लगा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक साधारण व्यक्ति जो काम करता है एक भक्त वही काम करता है, एक साधारण व्यक्ति जो काम करता है भक्त वही करता है, ऊपर से देखो जैसे एक ही लगता है, एक भक्त भी रोसे बनाता है साधारण व्यक्ति भी रोसे बनाता है, वो भी घर साफ करता है वो भी घर साफ करता है, वो भी स्नान करता है ये भी स्नान करता है, लेकिन जो भावना देखोगे आकाश और पाताल तफात है, एक तो अपना सुख के लिए करता है और दूसरा व्यक्ति गुरु वैष्णव ठाकुर जी की सेवा के लिए करता है। इसलिए श्री विश्वनाथ गुरु ठाकुर कहते हैं भक्तों का पैखाना पेशाब जाना भी, टॉयलेट जाना पेशाब पैखाना ये भी भक्ति है, क्यों एक भक्त ब्रश क्यों करता है, अगर मुझसे बदबू निकलेगा तो ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे, एक व्यक्ति स्नान क्यों करता है, हर स्नान करके तिलक लगा करके ठाकुर जी आरती करना ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाना है उसकी भावना, इसलिए कहते उनका इस सबके सब उनकी भक्ति है, उनको सुना भी भक्ति है, क्यों सो रहे हो शरीर को रेस्ट मिलेगा तो कल सवेरे से फिर ठाकुर जी की हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन इसलिए प्रभुपाद यहाँ ये कह रहे हैं लेकिन होगा कैसे, ये होगा कैसे भावना आएगी कैसे, बोले दो संग करना पड़ेगा, एक भक्त भागवत और एक है ग्रंथ भागवत, अगर इसका दो का संग करें ना, अगर दो संग हमारी हो रहे ये संसार बंधन से अपने मुक्त हो जाएंगे। भगवत सेवा करिवार जन्य गृह वास करावालो, अगर हम घर में रह रहे हैं बोले क्यों रह रहे हो घर में, बोले इसलिए घर में रह रहे हैं इसलिए हम पैसा कमा रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, कारण ताहते सुष्ट हरि भजन है गृह व्रत धर्म ताह है ना, जो लोग घर में रह करके भगवान की भक्ति करते हैं ना, भक्ति करते हैं हरि भजन करते हैं, कहते हैं उसी से ही भगवान की भक्ति होता है, लेकिन जो गृह व्रत है बोले तीन है, एक गृह व्रत एक गृह मेधी और एक गृह स्थ,
ये तीन है, इसलिए गृह व्रत किसको कहते हैं, बोले घर ही सब कुछ, इसके ऊपर और कुछ है नहीं, कि घर ही बेटा बेटी नाती पोती इससे सिवा जगत में और कुछ है ही नहीं है। इसलिए गृह को अपना जो व्रत बना लिया, यही छोरा छोरी नाती पोती इनको खिलाओ पिलाओ इनके लिए करो और मर जाओ, कहते ये कौन है, कहते गृह व्रत, जिसने व्रत ले लिया इससे इलाह और भगवान कुछ है नहीं दुनिया, खाओ पियो और मर जाओ, खाओ पियो और मर जाओ, कहते ये गृह व्रत है। कहते गृह में भी, कहते गृह में भी किसको कहते हैं, मेधि मतलब होता है दिमाग में, दिमाग में जिसका दिमाग में क्या है, जिसे दिमाग में सवेरे उठते ही दाल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, रोटी है कि नहीं, ब्रेड है कि नहीं, बटर है कि नहीं, हैं, सोने से ले उठ से लेकर दिन भर यही चिंतन और रात में सोते समय यही चिंतन, दिन रात जिनकी मेधा में दिमाग में ये माया की संसार जिनका दिमाग में भरा हुआ। कहते गृहस्थ किसको कहते हैं, बोले गृहस्थ उसे कहते हैं, कहते गृह उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन जथोचिता वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित माम। इसलिए कभी श्री नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी को घर में आए, तब नारद जी को सिंहासन में बैठा करके युधिष्ठिर महाराज इनकी चरण की पूजा की, वंदना की, उनकी आरती उतारे, संत घर में आए, तब श्री युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रश्न करते हैं, बोले हे नारद जी हम लोग पांच पांच भाई हैं और पांच पांच हमारी पत्नियां भी हैं और किसी ने तो दो दो तीन तीन शादी कर दिए हैं और उनके बच्चे पूरा इतना बड़ा परिवार है, आप कृपा करके बताओ हम घर में रहते हुए हम कैसे भगवान की भक्ति करें, घर में रहते हुए हमारी मुक्ति मिले कैसे, हमें संसार बंधन से मुक्ति कैसे मिले। तब नारद जी कह रहे हैं हे युधिष्ठिर महाराज गृह उपस्थित राजन घर में रहो लेकिन क्रिया कुर्बन जसोचिता, मतलब धर्म रास्ता में चलो, धर्म की रास्ता, अधर्म का रास्ता पर नहीं, धर्म की रास्ता पर चलो। अब वासुदेव अर्पण साक्षात जो कुछ करते हो भगवान को अर्पण करो, भगवान के लिए सब कुछ करो, वासुदेव उपासित महामुनि, अगर ये सब काम अगर करोगे हरी भगवान की तुम्हारी धाम, तुम्हारी भगवान का धाम है। इसलिए कृष्ण सेवा करियो यही संकल्प करिया गृह प्रवेश कराए थे। संसार में हम शादी क्यों कर रहे, पहले जो लोग शादी करते थे क्यों शादी करते थे, हमारी भारतीय जो संस्कृति है ना, सामने सालग्राम रख करके ठाकुर जी को साथी करके अग्नि को साथी करके सात फेरा लगा करके शादी करते थे, बोले शादी क्यों करते हो। पहले क्या होता था, पुरुष लोग बाहर जाते थे, स्त्रियां रहती घर में, स्त्रियां घर गृह देखती थी और पुरुष लोग बाहर काम करते थे, सारे काम पुरुषों का, घर का काम स्त्रियों का। इसलिए कहते शादी क्यों कर रहे हो, बोले भैया अगर हम घर से बाहर पैसा कमाने जाएंगे तो ये घर तो भगवान के घर है, ये घर को कौन देखेगा, ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा, ये ठाकुर जी का सेवा कौन करेगा ठाकुर जी की, हैं, और ये बच्चे जो है ठाकुर का बच्चे है इनको कौन देखेगा, हैं, कौन देखेगा। इसलिए शादी करते थे ना, इसलिए उनको बताया सहधर्मिणी, स्त्री का नाम सहधर्मिणी, जो पति को भगवान की धर्म में, जो पति को मदद करे, इसलिए स्त्री का नाम सहधर्मिणी, धर्म में जो सहायता करे, हैं। इसलिए कहते हैं कि एक धर्म पत्नी और एक धर्म पत्नी, एक धर्म पत्नी और एक धर्म पत्नी, बोले धर्म पत्नी कौन है, बोले धर्म पत्नी वो है जो पति को भगवान की भजन में मदद करे, भक्ति में मदद करे, धर्म में। फिर धन पत्नी किसको कहते हैं, बोले जब तक धन रहेगा तब तक रहेंगे, धन नहीं रहेगा तो भाग जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं धन पत्नी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हम इसलिए गृह प्रवेश कर रहे हैं ठाकुर जी, हम दोनों मिलकर के हम जरा हम सेवा करेंगे, तेरा हम सेवा करेंगे, बोले कृष्ण सेवा करो संगे फल्गु वैराग्य व मर्कट वैराग्य अपेक्षा अनेक गुण श्रेष्ठ। तो यहाँ पर कह रहे हैं वैराग्य
कहते पांच तरह का वैराग्य है, कहते कि फल्गु वैराग्य, एक मर्कट वैराग्य, एक प्रसव वैराग्य, एक श्मशान वैराग्य और एक है युक्त वैराग्य। कितना तरह का वैराग्य हो गया? पांच तरह का वैराग्य है। कहते फल्गु वैराग्य किया, फल्गु एक नदी है, वो नदी को ऊपर देखना पानी ऊपर में रेती रेती दिखता है, वो नदी के ऊपर रेती रेती दिखता है, लेकिन थोड़ी सी आप रेती को हटा दो आप देखोगे अंदर में पानी बह रहे हैं। इसका मतलब है ऊपर में तो वैराग्य है लेकिन अंदर में विषय वासना, अंदर में विषय की चिंता है, इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। और एक मर्कट वैराग्य, मर्कट मतलब बंदर, वृंदावन गए देखे हो बंदर को, और देखा बंदर देखा है बंदर, हाँ उनका कोई घर नहीं, नंगे रहते, एक साधु जैसे रहता है ना घर में, नंगे रहते, जो फल भी खा लिया हैं, एकदम ऊपर में दिखता जैसे, लेकिन वो इतने कामी, वृंदावन में तो चश्मा पहन कर जा नहीं सकते, अगर रास्ता में अगर देख केले कोई फल लेकर जाए ना बस आटा फिकर है, आपके हाथ से सब कुछ आपके हाथ से छीन ले। इसलिए कहते जो बंदर वैराग्य ऊपर से वैराग्य लेकिन अंदर में कामना वासना। तीसरा वैराग्य है प्रसव, प्रसव मतलब होता है बच्चों को जन्म देना, कहते ये भी वैराग्य बोली कैसे, तो बच्चे को जो माँ जन्म देती है बड़ा प्रसव पीड़ा होता है, प्रसव पीड़ा होता है, बड़ा कष्ट होता है, उसी समय में माताएं चिंता करती हैं भैया और बच्चे जन्म नहीं, और बच्चे जन्म दे बड़ा कष्ट है, हैं और बच्चे और नहीं बड़ा कष्ट जीवन है। लेकिन जब एक बच्चा जन्म ले लेता है फिर बच्चे का जब मुंह देखते हैं बच्चे का तो लाड़ प्यार करते हैं बाहर हृदय में जो प्रेम आती है ना, हाँ फिर भूल जाती है, फिर दूसरे बच्चे जन्म देने के लिए तैयारी हो जाती है। इसलिए इसको बताया प्रसव वैराग्य है। और जो चौथा वैराग्य है कहते शमशान वैराग्य, शमशान वैराग्य मतलब जो व्यक्ति व्यक्ति को जलाने समय में है? अब लोग सूरीनाम में अभी तो बक्स में रख करके अंदर में दे देते हैं, लेकिन जैसे सूरीनाम इंडिया में क्या करते हैं लेकर के शमशान में चिता लगाते हैं, उसका ऊपर में आदमी को लेटा देते हैं, है? लेटा करके आग लगाते हैं, फिर उसका खोपड़ी में घी भर करके, हाँ खोपड़ी को मार पीट पीट करके घी भर करके उसको फोड़ते हैं, शरीर को जैसे जलाते हैं ना जैसे शरीर जलाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति वो चीज को देखता है ना उसके हृदय में थोड़ी समय के लिए वैराग्य आता है, लोहिया संसार में कुछ कुछ क्या लग रही गया, जिंदगी में कमाया धमाया दुकान मकान बनाया, जाते समय एक स्टील धागा भी लेकर नहीं गया, संसार में कोई किस्म नहीं, और क्या बोलते बोलते ले गए, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, सब कोई बात झूठा है, बोले सब जगत में सब झूठा, अगर सच्चा है राम कृष्ण का नाम सच्चा, जगत में सब झूठा है। अभी अभी संसार में और माया नहीं है, संसार में और बीवी बच्चों पर तो कोई माया नहीं करेंगे, अभी दिन रात माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, अब दिन रात भजन करो, संसार अनित्य है। लेकिन जब घर में आते हैं ना, जब बच्चा भागते हुए आते हैं पापा पापा बोल करके गोद में चले जाता है, उसको सार नोचने लग जाता है, हैं अभी कहाँ गए, बीबी अब जब थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बीबी बात कर लेता है, बैठ करके रोटी गर्म कर रोटी खिलाता है, ब्रेड खिलाती है और मीठी मीठी बोली बोलती है, बस बजा कर खत्म सारे वैराग्य खत्म। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। लेकिन जो पंचम वैराग्य है कहते सही वैराग्य है, जिसको कहते युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब क्या है, युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा कर्म सु, मतलब है जितना तुम्हारी शरीर के लिए जरूरत है उतना वस्तुओं को ग्रहण कर, और कैसे ठाकुर जी का अर्पण करते हुए ठाकुर जी के प्रसाद रूप में जितना जरूरत तुम्हारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए ठाकुर को प्रसाद रूप में दान करो, हैं जो कुछ करो ठाकुर की अर्पण करते हुए प्रसाद, ये शरीर की इसलिए जरूरत है, ये शरीर से भगवान का भजन होगा भक्ति होगा शरीर से, अगर शरीर को ठीक नहीं रहेगा भगवान का भजन कैसे करोगे,
हाँ हरिनाम कैसे करोगे? इसी भाव से शरीर को हमें रक्षा करनी है, इसी भाव से। इसलिए इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, इसको कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं फल्गु वैराग्य व मर्कट वैराग्य अपेक्षा तो अनेक श्रेष्ठ। फल्गु वैराग्य आदौ से साधक नहीं, जो फल्गु मतलब जो नदी है ऊपर में तो दिखती है रहती रहती, लेकिन अंदर में पानी चलती है। इसका मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं, इसका मतलब है अगर तुम्हारी मन में अंदर संसार की वासना है, क्या करो, संसार करते हुए पत्नी को साथ में रह करके दोनों पति पत्नी मिल करके भगवान की भजन करो। लेकिन ऊपर से वैराग्य रह करके कुछ गलत काम करेंगे, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए शादी करो पति पत्नी मिल करके, हैं, गुरु वैष्णव का अनुगत में भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये सही है, ये सही है। इसलिए हरि भजनेर अनुकूल संसार भैले सैरूप गृहस्थ श्रमयी ग्रहणीय। आज यदि प्रतिकूल संसार हैले सैरूप गृहांत उपपरिसज्य। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद ये कह रहे हैं अगर तुम्हारे संसार में क्या है, संसार में गृहस्थ श्रमयी यदि प्रतिकूल संसार है, अगर इस संसार में अनुकूल है, पत्नी भक्ति करती है, पति भजन करता है, बच्चे सबके सब भगवान की भक्ति करते हैं, हैं, सबके सब मिल करके घर में कीर्तन होता है, हरिनाम होता है, घर में भजन होता है, घर में साधु संत आते हैं, गुरु वैष्णव घर में आते हैं, घर में सभी की सेवा हो रही है, प्रभुपाद कहते हैं ये सही, ये सही है, हैं, ये सही है। इसलिए लेकिन अगर संसार में प्रतिकूल संसार है, घर में पति तो आत्मदेव लेकिन पत्नी धुंधुकारी, पति आत्मदेव, आत्मदेव मतलब देवता सदृश है, भगवान की भजन करती है, लेकिन पत्नी धुंधुकारी, धुंधुकारी जानते होंगे, इसलिए अज्ञानी है, हाँ धुंधुली पत्नी थी, धुंधुली मतलब अज्ञानी, जिसको भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, दिन भर खाओ पियो बढ़िया कपड़ा पहन के घूमो और दुनिया में बिताओ और भजन भजन से कोई मतलब नहीं, नहीं कहते कभी पत्नी क्या है, आत्मवती और पति धुंधुकारी। कभी कभी पत्नी बड़ी भक्ति करती है, भजन करती है, लेकिन जो पति है ना वो धुंधुकारी है, बड़ा बदमाश है, दुष्ट है, है? अगर जिस संसार में भक्ति की कोई वातावरण है ही नहीं, संसार में भक्ति भक्ति का कोई वातावरण नहीं है, प्रतिकूल संसार ताहिले सैरूप गृहांत को परित्यज, ऐसे जो घर है वो गृह अंध कुएं के बराबर है, वो घर को हमें त्याग देनी चाहिए, वो घर को हमें नहीं रहनी चाहिए जहाँ पर भगवान की भजन भक्ति नहीं हो रही है। कहते फल्गु वैराग्य कसरत देखाई बार जन यदि गृह प्रति वितृष्णा उपस्थिति है ताहिले सैरूप गृह परित्यज श्रेय नहीं। फल्गु वैराग्य कसरत देखाई बार जन यदि गृह प्रति वितृष्णा उपस्थिति है ताहिले सैरूप गृह परित्यज श्रेय नहीं। ए रूप अपक को वैराग्य दुई दिन पर ही पति कही आ जाए। यहाँ पर प्रभुपाद ये कह रहे हैं कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार संसार में कुछ नहीं, संसार बेकार है, संसार सब माया में, हाँ झूठा सब माया में है। कभी कभी क्या करते हैं लोगों को दिखाने के लिए ये चीज को, लेकिन अंदर में की भावना नहीं, ऊपर में केवल दिखाने के लिए संसार झूठा माया कुछ भी, लेकिन अंदर में भोग की वासना है, अंदर में भोग की वासना, संसार की वासना। लेकिन ऐसे लोग को दिखा करके जो व्यक्ति घर को त्याग करते हैं ये सही नहीं, ये सही नहीं। कुछ दिन बाद में फिर क्या होता है, फिर उसी घर गृहस्थी में फिर वही घर गृहस्थी में फिर दोबारा उसमें फैल जाते हैं। प्रभुपाद ये ठीक नहीं, ऊपर दिखाने का जरूरत नहीं। तुम्हारी अगर संसार की वासना है, तुम्हारी शादी करके पत्नी को साथ में रह करके दोनों भजन साधन करो, जब तक तुम्हारी हृदय में वैराग्य नहीं आ जाती पूरा का पूरा,
हाँ बैराग्य जब तक नहीं आते तब तक ये करो, करते हुए दोनों मिलकर भजन करो है। जब सचमुच से तुम्हारे हृदय में बैराग्य आएगी फिर संसार को त्याग कर उसमें कोई दोष नहीं। अगर ऐसे नहीं तो क्या करो, लोगों को दिखाने के लिए ये करो लेकिन ऊपर से दिखाओ बैराग्य बैराग्य लेकिन अंदर में गलत संबंध है तुम्हारी प्रभुगात, ये सही नहीं है। इसलिए भगवत भक्तेर संगे फले गृह व्रत धर्म भी नष्ट है, जा केवल बहि जगत नीति अवलंबन करिया गृह प्रवेश करे तहारा गृह व्रत धर्म ही अधिकतर विनष्ट है। जब हम भगवत भक्तों का संग करते हैं, भक्तों का संग करने से क्या होता है, कहते भक्ति तो भगवत भक्त संग बढ़ जाए। जब भक्तों का संग करेंगे हरि कथा सुनेंगे फिर धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारे जो गृह व्रत धर्म नष्ट होगा। मतलब जितना परिमाण में शुद्ध भक्तों का संग करते रहोगे, भगवान की भक्ति करते रहोगे, हाँ भक्ति करते रहोगे, उतना परिवार में संसार का बंधन भी तुम्हारी नष्ट होते रहोगे। जहाँ केवल बहरी जगत नीति अवलंबन क्रिया गृह प्रवेश करे तहाँ गृह धर्म अधिक नष्ट है। कहते कहते धर्म दो तरह का है, एक सभी पुंसा परो धर्म जत भक्ति अधोसजे आहे क्योंकि अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। यहाँ पर कह रहे एक लौकिक धर्म और एक परमार्थ धर्म है, एक लौकिक धर्म लेकिन जीव का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या बोले सभी पुंसा परो धर्म जत भक्ति अधोसजे, जीव का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को प्रेम करना भक्ति करना और अहेतुक और अप्रतिहता। अहेतुक मतलब बिना कारण की भक्ति होनी चाहिए जिसमें निष्काम भक्ति हो, अप्रतिहता मतलब इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, भक्ति तुम्हारी कंटिन्यू होनी चाहिए है, कंटिन्यू होनी चाहिए। इसलिए तहां गृह अधिगत विनष्ट है, इसलिए केवल बाहरी जगत नीति अवलंबन करिया। इसलिए धर्म दो तरह का है, कैसे जीव एक नित्य धर्म एक अनित्य धर्म है, एक नित्य धर्म एक अनित्य धर्म है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इसलिए कहते सर्वश्रेष्ठ जो धर्म जीव का भगवत भक्ति। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं बहरी जगत का नित्य अवलंबन करते करते हुए, अब संसार संसार में जाओ किसी व्यक्ति को पूछो बोले भैया जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, साधारण व्यक्ति को पूछो बोले शादी करो बच्चे जन्म दो उनको खिला उनको पिला अपना घर गृह से ठीक चलो पिता माता से सेवा करो, इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं। ये जगत का सबसे बड़ा धर्म यही है, साधारण लोगों को पूछो यही बताएंगे, भक्ति की बात नहीं बताएंगे। इसलिए भक्ति को गौण कर देंगे संसार के धर्मों को मुख्य कर देंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं लेकिन जो भक्त व्यक्ति ऐसे करते हुए घर में प्रवेश करते हैं नहीं, पहले तो संसार की पिता माता भाई बंधु को सबसे पहले इनको देखो बाद में फिर भक्ति करना, ऐसे जो करते हैं उनको क्या होता है कहते गृह धर्म अधिक नष्ट है। इसलिए वो व्यक्ति संसार की माया में फंस जाते हैं। बोले भगवत भक्तेर संन्यास श्रम ग्रहण जरूर प्रयोजन तद्रूप भगवत भक्तेर गृहस्थ्रम ग्रहण प्रयोजन। कहते भगवान का भक्तों में इसलिए चार आश्रम है ना, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, उसके बाद में फिर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद में फिर वानप्रस्थ और उसके बाद में फिर संन्यास, ये चार आश्रम है। इसलिए भगवत गृहस्थ धर्म व्रत नष्ट है, इसलिए जैसे संन्यास ग्रहण जरूर प्रयोजन, भक्तों का एक दिन क्या करनी चाहिए एक दिन संन्यास बनी चाहिए, जब तक संन्यास ग्रहण नहीं करेंगे ना तब तक जीव का कल्याण नहीं, भले ही तुम त्यागी रूप में हो नहीं तो गृहस्थ रूप में हो। संन्यास का मतलब होता है संपूर्ण रूप में संसार का बंधन को त्याग करके काय मन और वाक्य के द्वारा भगवत सेवा करना, यही संन्यास है। एक दिन सबको संन्यासी लेना पड़ेगा, संन्यासी सबको एक दिन संन्यासी लेना पड़ेगा। इसलिए संन्यासी कैसे गृहस्थ में रहते हुए भी संन्यासी बन सकते हो, ऐसे नहीं जो संसार को छोड़ कर संन्यासी ले लिया संन्यासी हो गया। इसलिए
घर पे रह करके भी सन्यासी बन सकते हो। देखो महाप्रभु का बहुत सारे भक्त घर में थे, अद्वैत आचार्य गृहस्थ, श्रीवास पंडित गृहस्थ, लास्ट में नित्यानंद प्रभु भी दो दो शादी किया, महाप्रभु भी शादी किया। महाप्रभु तो अक्सर करके भक्त देखो गृहस्थ थे। भागवत जितने सब अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वो भी सन्यास, वो भी सबसे गृहस्थ थे। लेकिन ये लोग गृहस्थ में रहते हुए भी ना सन्यासी, गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी। आप श्रीवास पंडित का जीवन पढ़ो, अद्वैत आचार्य का जीवन पढ़ो, घर में रहते हुए भी संपूर्ण रूप में काय मन वाक्य संपूर्ण रूप में महापुरुष सेवा में संपूर्ण रूप में त्याग लगा, संपूर्ण रूप में उनका भगवान महापुरुष का सेवा के मगर कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए ये 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 सन्यासी है, ये सन्यासी। तद्रूप भगवत भक्तेर, तद्रूप भगवत भक्तेर गृहस्थ श्रम ग्रहण ग्रहण हो प्रयोजन। जैसे भगवत भक्त जैसे सन्यासी ग्रहण करते हैं गृह प्रयोजन, भगवत भक्तेर गृह प्रवेश ही वांछनीय, अभक्त गृह प्रवेश कर्तव्य नहीं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं भगवत भक्तों का ही गृह प्रवेश, जो सचमुच से जो गृह प्रवेश करते हैं कौन, भगवान का भक्त ही वास्तव रूप में गृह प्रवेश करते हैं। अभक्त गृह प्रवेश कर्तव्य नहीं, जो अभक्त है उनका गृह में प्रवेश करना उचित नहीं। इसका मतलब क्या है, गृह में प्रवेश करते हुए जब दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान की सेवा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, सचमुच से वही गृह प्रवेश है। लेकिन जो अपना केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, विषय भोग के लिए संसार में प्रवेश करते हैं, उनको गृह प्रवेश नहीं है, गृह प्रवेश नहीं। भगवत भक्त गृह प्रवेश कर ले जानित है वे तिनी सर्व मठ प्रवेश ही करिया छे। अगर सचमुच से भगवान की भक्ति के लिए दोनों पति पत्नी गृह में प्रवेश करते हैं तो घर में रहते हुए मठ है, वही मठ है मंदिर, वही वही मंदिर। मंदिर मतलब क्या, मठ मतलब क्या, प्रभुपाद कहते हैं मठ मतलब होता है पठन्ति बसन्ति यत्र छात्रा, जहाँ पर पारमार्थिक छात्र हैं, पारमार्थिक भक्ति के छात्र जहाँ पर बसंती और पठंती, जहाँ पर निवास करते हैं और भक्ति शास्त्र को जो पठन करते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं, वही मठ है। देखो हमारे शशिकला जी का घर भी मठ है ना, दिन रात साधु सन्यासी आ रहे हैं, हरी कथा हो रही है, कीर्तन हो रही है, घर में भजन हो रहा है, सारा दिन देखो मठ में जैसे मैया जो खिचड़ी घुसती है दोनों, सबर की खिचड़ी घुसती है, सांप खिचड़ी से निकलती है, दिन भर क्या कर रहे हैं ठाकुर जी की सेवा, वैष्णव की सेवा, बस दिन भर ठाकुर की वैष्णव सेवा, घर में कीर्तन हरी कथा, क्योंकि यही मठ है, यही मठ है। लेकिन अगर मठ में ये नहीं हो, मठ हो वो मठ नहीं, वो माठ है, मैदान है वो, मैदान मैदान है मठ। कारण पारमार्थिक गृह प्रवेश कौन, मठ प्रवेश कौन भेद नहीं। इसलिए जो पारमार्थिक भक्ति जगत में गृह प्रवेश और मठ प्रवेश में कोई फर्क नहीं, किंतु गृह व्रत गणित गृह प्रवेश कृष्ण व्रतेर गृह प्रवेश मध्य आकाश पाताल भेद वर्तमान। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, भजन का कोई मतलब नहीं, जो गृह व्रतेर जो गृह प्रवेश कहते गृह प्रवेश मध्य आकाश पाताल भेद वर्तमान। इसलिए जितने भी दिखाई पड़ता है, एक साधारण व्यक्ति घर संसार करता है, भक्त भी घर संसार करते हैं, ऊपर में तो देखने के लिए एक ही लगता है, लेकिन अंदर से देखोगे ना आकाश और पाताल सार्थक है, हैं? एक तो कृष्ण सेवा के लिए, दूसरे संसार की विषय भोग के लिए। अनुकूल कृष्ण अनुकूल कृष्णानुशीलन परिवार जने गृह प्रवेश करते है वे गृह में, इसलिए प्रवेश करते हैं हर समय हम कृष्णानुशीलन करेंगे, हैं? भगवान की भजन करेंगे दोनों मिलकर के। असत संग प्रजल्प हिते पारमार्थिक गृहस्थ सर्वदा दूर थाकिबे, कहते हमको क्या करनी चाहिए, हमें दो चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। बोले कौन सा दो चीज से, बोले पहला नंबर है असत्संग,
असत संग, ये संग का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व संग का। आप देखना जैसे आप संग करोगे ना, आप जैसे संग करोगे आपका रंग वैसे बदले जाएंगे। चोर के साथ में बैठो चोर बन जाओगे, इसलिए जो शराब पीते हैं शराब पीने के बाद में बैठो शराब पीना शुरू कर दोगे। किसी हैं जो गंजेड़ी भंगेड़ी उनको साथ में बैठो फिर वो शुरू कर दोगे। अगर आप भक्तों के साथ में बैठोगे तो फिर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दोगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि दो चीज से हैं दूर रहो। पहला नंबर है क्या है, एक है असत्संग से दूर रहो और एक है प्रजल्प से। प्रजल्प मतलब होता है बैठ करके भगवान की कथाओं को छोड़ करके तो दूसरी बात है, बैठ करके सारा दुनिया की बात करने लग गए, उसने ऐसे किया उसने ये किया उसके घर में ये हो रहा है उसके घर में बहुत सास में लड़ाई हो रही है उसको पति पत्नी में झगड़ा हो रही है उसको घर में ये हो रहा है, इसलिए एक प्रजल्प को छोड़ो कृष्ण कथा सिवाय दूसरी बात को। और दूसरी चीज ये है असत्संग से दूर रहो। क्या करनी चाहिए तब क्या करनी चाहिए हमें, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सप्तवृत्ति सर्वभक्ति कहते। जो ये छह चीज है कहते भगवत भक्ति को बढ़ाने वाली ये छह चीज है, भगवत पुस्तक ये छह चीज है। बोले वो छह चीज क्या है, उत्साह अंदर में भगवान की भजन में उत्साह रहनी चाहिए अंदर में, उत्साह निश्चय मतलब एक दिन हम निश्चित रूप में भगवत प्राप्ति करेंगे, उत्साह निश्चय धैर्य हृदय में धीरज धारण करो है धीरज धारण करो धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् वही काम को ही करो है तत्त कर संगत त्यागात। यहाँ पर भी होता संगत त्यागात, जो असत संग है जिसको साथ में बैठने पर दुनियादारी इधर उधर की बात हो ऐसे संगत त्याग करो। और ऐसे संगत में तो बैठनी नहीं चाहिए, श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जब तुम साधारण व्यक्ति की निंदा करते हो साधारण व्यक्ति को निंदा करते हो कहते पाप है वो पाप है, इसलिए कहते अनिल दुख भैया सकृत कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारीफ खेला। अजय चैतन्य मतलब जिस महाप्रभु को जितना बड़ा कठिन है लेकिन उसको कैसे जीत सकते हो, बोले जो व्यक्ति कभी किसकी निंदा नहीं करता। साधारण व्यक्ति को जब निंदा करते हो उसमें जो पाप करता है लेकिन जब किसी वैष्णव की निंदा करते हो तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जो किसी वैष्णव के बारे में निंदा करते हो उससे कोटि गुण ज्यादा हानि है। साधारण व्यक्ति निंदा करने पर वो भी सही नहीं है, कहते जो पाप लगता है उससे करोड़ गुण ज्यादा पाप लगता है जब किसी वैष्णव के बारे में हम लोग को ही उल्टा पुल्टा हम बोलते हैं। इसलिए बोले संग त्यागा, ऐसे व्यक्ति को पास में मत बैठा करो जिसको पास में बैठने पर वैष्णवों के बारे में हमें जो भगवान की भक्ति में लाए जिसने हमें भगवान की भजन में लगाए इतना कष्ट करेगी। इसलिए भगवान खुद कहते हैं अगर ये मेरी हाथ, ये भगवान कह रहे अगर मेरी हाथ कभी अगर मेरे भक्त का विरोध में जाएगा मैं अपना हाथ भी काट डालूंगा। भगवान कहते हैं वैष्णव निंदा में कभी भी सहन नहीं कर सकता हूँ, अगर मेरे भुजा भी कभी भक्तों के विरोध में जाए मैं अपना हाथ को भी काट डालूंगा। ऐसे व्यक्ति को संगत में नहीं जानी चाहिए नहीं बैठनी चाहिए जहाँ जाने पर किसी वैष्णव की नाम पर कोई चुगली कोई निंदा चर्चा होना उसको असत संगत मान कर उसको संगत को हमें त्याग देना चाहिए। ऐसे संगत में बैठो जहाँ पर जाने पर भगवान की कथा भगवान के नाम भगवान की भजन के बारे में पता हो। ये जो शंका है ना ये बहुत गंदी चीज है, जब किसी वैष्णव के प्रति हमारी शंका हो जाती है दूर से परिक्रमा कर रहे थे भगवान की लीला में कोई व्याघात नहीं हो इतने में सती के मन में शंका हो गई, बोले प्रभु
आप किसको प्रणाम कर रहे हो? आप जिस परात पर परम ब्रह्म राम की कथा बोलते, ये क्या वही राम ना? ये कोई साधारण कोई इंसान? क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को क्या पता है, रावण जो सीता को उठा कर ले गया, सीता है ही नहीं, वो छाया सीता नकली, अब वो भी अशोक वाटिका में, तो मेरे को पता है। लेकिन आप अगर ये घटघटवासी राम भगवान है, वो क्या ये बात पता नहीं? अभी अभी शंकर जी पार्वती को समझाने के लिए चाह, पार्वती बोली मैं अनपढ़ी थोड़ी, मैं लिखी पढ़ी एजुकेटेड हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, लिखी पढ़ी हूँ, ऐसे थोड़ी मैं विश्वास कर लो कि आप जो बोल दोगे। देखो शंका हो गई ना, इसलिए बोले जगत में पांच ऐसे प है, खरा दुनिया को समझा दो, लेकिन पांच प को नहीं समझा सकते। बोले पांच प, पहला प बोले पत्नी, पहला प पत्नी, आप देखना सारा दुनिया तुम्हारी बात सुनती है, लेकिन अपना पत्नी पत्नी बोलती ये तो इनको तो मैं समझाती रहती हूँ, ये हर समय ये गलती करता है, ये हर समय ये गलती करता रहता है, मैं समझाते समझते हार जाती हूँ इनको, ये गलती करते रहते हैं। इसलिए पहला प कौन हो गए? बोले पत्नी को, पत्नी को समझा नहीं सकते, दुनिया तुम्हारी बात सुनेगा, पत्नी बात नहीं सुनती। दूसरी पत्नी प है, इसलिए दूसरा पाए पुत्र, बेटा। आप देखो ना, दुनिया को बैठा कर पढ़ा लोगे, लेकिन बेटे को बैठा पढ़ा नहीं सकते, अपने बेटा को नहीं पढ़ा सकते हो, अरे बेटा ही बात नहीं सुनेगा। देखना दूसरी जो तीसरा जो पप्पा है, कहता अपना पुत्री, अपना पुत्र और पुत्री, पुत्री मतलब बेटी है। देखना सारा दुनिया बात सुनते, लेकिन तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, बोले ये मैया मेरे को क्या समझाएगी, ये मैया। और तीसरा जो पा है ना, कहते परिवार, परिवार। आप देखना सारा दुनिया में तुम्हारी इज्जत हो, लेकिन परिवार में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, परिवार में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, ये कौन जानता है, ऐसे करता रहता है। तेरा परिवार में तुम्हारी चुगली होती होगी। और जो पंचमा जो पौ, ये पड़ोसी ये पड़ोसी, इसलिए आप देखना सारा दुनिया में तुम्हारे मित्र पड़ोसी से झगड़ा झगड़ा ना पड़ोसी झगड़ा। इसलिए इसलिए कहते ये कहते पांच पौ को तुम नहीं समझा सकते, इसलिए शंकर जी कोशिश की पार्वती को समझाने के लिए, पार्वती समझी नहीं, बोले नहीं मैं तो परीक्षा करूंगी, मैं तो परीक्षा करूंगी, शंका होगी ना। शंकर जी एक तरह से उनका गुरु है, शंकर जी गुरु है, हैं पढ़ाती अपने पर गुरु जी के प्रति शंका हो गई, शंका हो गई, तो उन्हें सीता रूप लेकर के परीक्षा करने के लिए गई। लेकिन शंकर जी पर भगवान राम पहचान गए, बोले माता जी शंकर तो उधर से चले गए, अब इधर कैसे आ गए? फिर मैंने पहचान लिया, फिर उन्हें प्रणाम करके जब खड़ी हुई ना, भगवान राम दिखाए, देखो सीता मेरे से कहीं अलग नहीं, सिया राम मेरे सब जगह जानी, जहाँ देखा सर्वत्र सीता राम, सीता राम हाँ सर्वत्र सीता राम देखा, फिर तो समझ गई कि तो रात पर तो भगवान ही, सीता कहीं गई नहीं। फिर शंकर जी को पास में आए, शंकर जी पूछा तुमने परीक्षा लिया? इसलिए देखो अगर हमसे कोई गलती हो गई ना, सीधा गलती स्वीकार करो, हमसे ये गलती हो गई, लेकिन आप गलती को छुपाने के लिए कोशिश करोगे, एक गलती से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर गलती गलती बनती जाती है। पहला गलती अगर समाप्त कर देगा, प्रभु जी मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, बस खत्म हो जाता है। ये गलती को छुपाने के लिए कोशिश करोगे, फिर उन्होंने फिर छुपाने के लिए सही बात नहीं बताई, फिर उन्होंने छुपाने के लिए कोशिश की। शंकर जी ने देखा इन्होंने किस रूप लेकर के परीक्षा किया, ध्यान लगाया तो देखा ये तो माँ सीता के रूप धारण किया, मेरी माँ के रूप, मेरी आराध्या देवी की। फिर उन्होंने मन मन में संकल्प कर लिया और सती को मैं कभी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, मन मन में संकल्प कर लिया। देवता लोग शंकर जी की यह संकल्प सुन करके स्वर्ग से पुष्प की बौछार की और श्री भोले बाबा की जयकार लगाए, बोले श्री भोले बाबा की जय। पुष्प इतने में सती ने देखा, भैया ये देवता लोग जयकार की क्या चक्कर है। फिर शंकर जी सती को और बाम पास में नहीं, गोद में नहीं बैठाते हैं, सामने आसन देते हैं, सामने गुरु जी का आसन देते हैं, सामने गुरु जी का आसन देते हैं। फिर उन्होंने मन से पत्नी का उपचार कर दिया
फिर सती ने क्या की, कनखल में गई और उन्हें एक निमित्त बना करके, बहाना बना करके उसने अपना शरीर को त्याग दी। यहाँ पर कहते हैं जो गुरु वैष्णव का प्रति शंका नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी शंका होगी ना, ये मृत्यु का कारण एक दिन जाकर बनेगा, मृत्यु का कारण जाकर के बनती है। इसलिए कभी भी हमें ऐसे संगत में नहीं बैठनी चाहिए जिस संगत में बैठने पर गुरु वैष्णव भगवान के प्रति हमारी शंका होने लग जाए। ये बड़ा गंदी चीज है। शंका को दुनिया को कोई ये कर चले, शंका को कोई निकाल नहीं सकते। इतनी गंदी चीज है और एक दिन वो मृत्यु का कारण जाकर बनती है, मृत्यु का कारण बनती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उत्साह निश्चया धर्ज्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा, असत संग हमें त्याग देनी चाहिए। और सत्वृत्ति, सत्वृत्ति मतलब होता है जो हमारे पूर्व पूर्व आचार्य जो हुए हैं, हमारे जो गुरुवर्ग जो लोग हुए हैं, क्या करनी चाहिए, उनके आदर्श को हमें ग्रहण करनी चाहिए। प्रभुपाद कैसे भजन करते थे, हमारे गुरु जी कैसे भजन करते हैं, और श्री हमारे गुरुवर्ग महापुरुष का भक्त लोग कैसे भजन करते थे, उनका जीवन चरित्र को पढ़ो, उनका आदर्श को अपना जीवन में, उनका आदर्श को ग्रहण करो। प्रभुपाद कहते हैं भक्त्यांग गृहस्थ सादरे पालन करें, जो छह चीज गृहस्थ लोग क्या करनी चाहिए, ये छह चीज को अपना जीवन में उतारनी चाहिए। हरि गुरु वैष्णव सेवा, हरि गुरु और वैष्णव सेवा और नाम कीर्तन साधु संग हरि कथा श्रवण गृहस्थ भक्त अवश्य कर्तव्य। केवल घर में रहने पर गृहस्थ कोई नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं गृह में रह करके अगर ये सब काम को करोगे, हरि गुरु वैष्णव का सेवा करोगे, भगवान का नाम कीर्तन करोगे, साधु संग करोगे, हरि कथा सुनोगे, तभी जरूर अवश्य कर्तव्य। अगर ये करोगे ना तो भक्ति क्या होगा, कनपना कर। अगर ये भक्तों का संग नहीं करोगे, हाँ हरि कथा में नहीं, भक्तों का संग नहीं, फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो पौधा में पानी नहीं दोगे फिर पौधा क्या होगा, और सूख जाएगी भक्तिलता, सूख जाएगी, मन में उत्साह नहीं रहेगा, भजन करने की उत्साह नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन आप लोग देखना जो लोग सत्संग में आते हैं, हरि कथा सुनते हैं, उनका भक्ति बढ़ती रहती है, भक्ति बढ़ती रहती है। क्यों, पौधा में पानी दे रहे हैं, हरि नाम करने में उत्साह, भक्ति अंग जागरण करने में उत्साह रहती है। इसलिए अगर पानी दोगे तो फिर तो भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति बढ़ेगी नहीं। कृष्ण सेवा जन्य अखिल प्रयास कर ले मंगल आये, कहते हमारे जितने सारे चेष्टा किया होगी कृष्ण सेवा के लिए, हमारी सारी चेष्टा होगी करने पर तभी हमारे जीवन में मंगल होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, क्या कहते हैं, कि भावे गृह थाकते हय, मतलब घर में हम कैसे रहेंगे। प्रभुपाद अगर घर में ऐसे रहोगे फिर क्या होगा, जरूर तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी और एक दिन तुम्हें भगवत कृपा जरूर मिलेगी। ठीक है, लिताई गौर ब्रह्मंदे हरि गो मचागल दुर्वेश कृपा सिंधु लोच कृपा नम आवरियो ईश्वर।